थैंक यू। आज मीडिया टीम जो हमारा अरुणाचल सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को कवराइज करने आया है, इसके लिए आप लोग को थैंक यू। ये ऐसा है, एक्चुअली हमारा जो फॉर्मर चेयरमैन साहब का कुछ उसका फैमिली इशू या उसका पर्सनली कुछ बिजी होने का कारण हमारा सोसाइटी को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो उस हिसाब से हम लोग का अरुणाचल सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है, हम लोग उनको अप्रोच किया है कि आप अगर वेलफेयर को सोसाइटी को टाइम नहीं दे रहा है तो हम लोग का टीम में मौका देना है एक को लीड करने के लिए। तो जैसे ही कल उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद हम लोग आज सुबह से ही हम लोग या कॉन्फ्रेंस बैठ के हम लोग एक सोल्यूशन किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो हमारा मेंबर्स लोग है सबको भी फोन में कनेक्ट हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग एक आज नया हमको मेंबर लोग हमको हम फॉर्मर जीएस है, अभी हमको चेयरमैन कम ये प्रेसिडेंट का हमको उन लोग चुना गया है, इलेक्टेड किया है। सब लोग हमको एक भी हमको कंप्लेन नहीं है कि नहीं ये नहीं होना है, सब बोला है कि मुझे ही बनना है, एक बार मेरा लीडरशिप को उन लोग दिखने दिल है बोला है। इसीलिए हम ये थैंक यू करता है, हमारा जो थैंक यू बोल रहा है हमारा जो मेंबर है जो सिदिल ट्राइब का पूरा इंटर स्टेट में और इंटर डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टेड है, तो पूरा जो आज अटेंड नहीं कर पाया उन लोग का वही है कि सब लोग बोला है कि हमको ही एक बार चेयरमैन रखना है। इसके लिए सबको हमारा सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को हम सबको थैंक यू बोल रहा है, टीम को और हमारा अरुणाचल का जो भाषी है हमारा स्टेट का जो एसटी होल्डर्स जो भाषी है, तो हम लोग का ये सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो स्पेशली ये एसटी का अगेंस्ट में है, हम लोग का जो ये सोसाइटी जो खुला है, कल हमारा फॉर्मर चेयरमैन कम प्रेसिडेंट ने बताया है आप लोग को, उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको मैं कंटिन्यूस करेगा। ऐसा है हमारा आप अभी जो बुलाए बांग्लादेश से या आईएलपी चेकिंग होता है, आपने सही पर्सन पूछा है। जब जब हमारा यहाँ में आउट कंट्री में या आउट स्टेट में जब भी ऐसे दुर्घटना होता है तो यहाँ हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी है ये सब हला करता है। तो हम लोग तो अभी हम लोग ये सोसाइटी इसलिए खुला है क्योंकि हम लोग जो है स्पेशली आप लोग को एक जानकारी दूं हमारा पब्लिक को व्यूअर्स को, उस दिन लास्ट टाइम हम प्रेस मीडिया आया था प्रेस क्लब में आया था, उसी में मैं काफ़ी लोग को आप लोग का मीडिया टीम को मैं एंसर दिया है कि हम लोग का मकसद जो क्या है। जैसे कि हमारा बहन दीदी जो है बाहर का जो आउटसाइडर स्टेट का जो मैरिड होता है तो अपना यहाँ का जैसे कि अपना यहाँ का ट्रैवल होके अपना जाति में अपना ही बेटी बेटा को रखता है, तो ये हम लोग का एसटी का खिलाफ है क्योंकि हम लोग ऐसे इंसान लोग को ऐसे सोच रखने वाला और ऐसे जो अभी उन लोग लेके एसटी लेके बैठा हुआ है वो लोग को हम लोग क्लियर करना है। और वो लोग सोच रहा होगा कि हमारा चेयरमैनशिप फॉर्मर चेयरमैन हाथ गया तो अभी ये लोग क्या स्टेप उठाएगा सोच रहा होगा। आप लोग को मैं क्लियर बता दूं, हमारा पूरा टीम जो है हम लोग अभी यहाँ में पूरा योगदान करेगा और हम लोग एक एक लास्ट टाइम भी जिस जिसको हमने नोटिस दिया है एज ए सोसाइटी बैनर में हम लोग जो नोटिस दिया है उसको किसी को आरटीआई भी किया है और किसी को नोटिस किया, किसी का रिप्लाई लेटर आया किसी का नहीं आया है। तो अभी हम लोग का न्यू फॉर्म गठन हुआ है तो हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग का साथ में सीनियर सिटीजन का साथ में हम लोग बैठक करके हम लोग एक्सपीरियंस लोगों से पूछताछ करके कैसे आगे बढ़ाना है हम लोग करेगा। और ये अभी आप लोग बोल रहे हैं कि ये सेंसिटिव केस है कैसे आगे उसको करेगा बोल रहा है, अभी ऐसा है
जो जो अपना से नहीं, हम अपना माँ का जाति में बेटा है, इलीगल स्त्री लेके बेटा है, जो सोचने वाला, तो खुद सरेंडर करने से अच्छा है हम लोग को उतार में आने नहीं देना है, क्योंकि नहीं तो हम लोग पुलिस टीम, मीडिया टीम को लेके उन लोग का घर तक भी पहुंच सकता है। हम लोग का सोच है, और हम लोग अभी और बहुत कुछ फाइनलाइज करना है। आज ही पूरा, आज तो जस्ट नया चेयरमैनशिप हुआ है और हमारा ये मेंबरशिप चेंज हुआ है, इसी के लिए आप लोग को बुलाया गया था। ऐसे है, ये जो 2023 नवंबर को मैंने अप्लाई किया था तो काफ़ी रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि एक सोसाइटी एक रजिस्टर करना इतना इजी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी इजीली नहीं देता है। हमारा जब रजिस्टर हुआ था, इसमें क्लियरली लिखा है कि हम लोग गवर्नमेंट का एगेंस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग एसटी का एगेंस्ट है, जो इलीगल एसटी लेके बैठा हुआ है हमारा स्टेट में, जो राज कर रहा है, अपना आपको यहाँ का एसटी सोचता है, वो लोग को हम लोग क्लियर करने के लिए ही ये सोसाइटी खुला है। और लास्ट पास्ट हो गया, रिजेक्ट करते करने का बाद में 2024 मार्च 1 तारीख को रजिस्टर हुआ है, और हमारा पास लाइसेंस है। और कल हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ने आप लोग को शो किया मीडिया टीम को, तो उसी से हम लोग जारी किया है कि बहुत काफ़ी लोग है। अभी कल जैसे हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट बोला है कि हम लोग डिटेल नहीं बोल सकता है, लेकिन अभी जिस जिस को हम लोग नोटिस दिया है, उनका अगर हम लोग पुलिस टीम लेके, मीडिया टीम लेके जो रिप्लाई नहीं आया है, उन लोग का ऊपर में हम लोग अभी कुछ भी कर सकता है। जहाँ एनी टाइम पहुँच के हम लोग क्लेरिफिकेशन पूछने का हम लोग खुद सोचता है कि एज ए रजिस्टर सोसाइटी हम लोग का हक है पूछने का उन लोग को, वही है। और बाकी का तो आज ऐसा है। और एक बात बता दूँ, हमारा जैसे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट जब चलाया था, आज हमको जब चेयरमैन दिया है, तो मैंने भी एक सेलेक्ट किया है, टीम बनाया है, जो नॉन एक्टिव है उसको भी कैंसलेशन किया है, जो एक्टिव है, जो सच्ची में अरुणाचल के लिए सोचता है और ट्राइबल के लिए सोचता है और ये एसटी का बारे फील करता है, वो लोग को आज हमने अपॉइंट किया है। और हमारा ये लास्ट का जो पेड का हिसाब से उसमें, और हम लोग एक नया अमेंडमेंट किया है एज ए चेयरमैनशिप, हमको ऑथोराइज करने का बाद आज ही हमने एक आरटीआई चेयरमैन बनाया। तो आगे का जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो जिसको हम लोग नोटिस दिया है उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट लेवल में जाएगा, आरटीआई लेवल में जाएगा, कोई भी हम लोग का रूल्स बायलो जो बोलता है उस हिसाब से हम लोग फॉलो करके उसको लगेगा। इसीलिए मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जो आप लोग एसटी का पर्टिकुलरली जो एसटी का एग्जाम में करते हैं, जो नॉन ट्राइबल जो पहले एसटी का राइट लेके बैठे हैं, तो अरुणाचल में काफ़ी जगह में ऐसा देखा गया है कि नॉन ट्राइबल बच्चा को भी अडॉप्ट किया गया है, सत्तर जब वो लोग बच्चा नहीं कंसीव नहीं कर सकते, तो उसको लेके आप लोग उसको भी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं कि जो नॉन ट्राइबल बच्चा को अडॉप्ट किया है उसको भी एसटी का राइट नहीं मिलना चाहिए, आप लोग उसके लिए कर रहे हैं ना, जो सिर्फ जो महिलाएं जो बाहर से शादी करके बच्चा पैदा कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ। इसमें ऐसा है, लास्ट टाइम हम प्रेस ब्रीफिंग में मैंने क्लियरली बोला था एक मैम को, मुझे जो क्वेश्चन किया था, एडप का भी रूल्स है। जैसे कि अभी हम, मेरा एग्जांपल बोल रहा है, मेरा अगर बच्चा नहीं होगा, हम एडप करेगा तो जो अनाथ आश्रम कहाँ में, कहाँ से वो बिलोंग करता है, वो तो अनाथ आश्रम ही डिक्लारेशन देगा विथ मजिस्ट्रेट, जो उन लोग का फॉर्मेलिटीज होता है, जो ऐसे ऑटोमेटिक है तो उसको तो हम लोग क्लब नहीं कर सकता है। जो ऑटोमेटिक नहीं है, एडप किया है बोलता है, सर्टिफिकेट जिसका पास नहीं है उसको तो हम लोग वेरीफाई कर रहा है, चुन चुन के हम लोग वेरीफाई कर रहा है। काफ़ी हमारा स्टेट में 600-700 है, 600-700 मतलब आपका मेंबर्स है जो हमारा इलीगल एसटी लेके बैठा हुआ है, तो हम लोग वन बाय वन करेगा, क्योंकि हर चीज़ को एक बार में नहीं कर सकता। अभी फिलहाल हम लोग 10-11 तो नोटिस दिया था लास्ट मार्च से, जब परमिट हुआ था तब से जो हम लोग नोटिस इशू किया था, वो नोटिस इशू करने वाला को पहले हम लोग क्लियर करेगा। इसीलिए मेरा प्रेसिडेंटशिप में हम जरूर चेंज लाएगा, और
मेरा ये वादा है आप लोग को, मीडिया को और अरुणाचल का वासी को, मेरा तरफ से ये वादा है एज ए सिद्धिल साहेब वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन का हिसाब से मैं एक वादा कर रहा हूँ कि हम लोग ये जो नोटिस दिया है उसको तुरंत एक्शन लेगा, और कब किसको लेगा कैसे लेगा आइडिया नहीं लगा सकता है हम लोग, क्योंकि ये सेंसिटिव है, आप लोग को भी बताया गया है। थोड़ा ये चीज़ को देख के सीनियर सिटीजन लोग का साथ, लॉयर का साथ बैठ के हम लोग डिसीशन करके, पुलिस प्रशासन का साथ बैठ के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन करके हम लोग करेगा, आगे बढ़ेगा। और आप लोग को नेक्स्ट मीडिया अगर आएगा, हम तो उम्मीद खुद को लग रहा है कि किसी ना किसी को प्रूफ करके या क्लेरिफिकेशन, जिसका हम लोग सस्पेक्ट में दिया गया है, हम लोग सस्पेक्ट में दिया है कि किसी का इन्फॉर्मेशन से दिया है, तो वो कोई कोई गलत भी हो सकता है, उसको भी हम लोग मीडिया का सामने आके ये बोलेगा कि हाँ इसका इन्फॉर्मेशन गलत था, ये क्लीन है, ये एसटी है। और जो जिसको हम लोग प्रूफ हो गया वो आप लोग का सामने हम लोग लाएगा और हम लोग प्रूफ दिखाएगा ये नॉन एसटी है, इसलिए उसको कैसे करना है उसमें हम लोग टीम बैठक करेगा। और हमारा जैसे कि निसी में बोलने से एलाइथ है और अपातानी में बोलने से सुपुंग दुपुंग है, ऐसे ही हमारा 26 ट्राइब मेजर है ना, इसमें अलग अलग सोसाइटी है, और जिसको हम लोग पकड़ेगा रंग मतलब डॉक्यूमेंट्स का थ्रो हम लोग गलत लगेगा, सबसे पहले सोसाइटी को हम लोग उस उन लोग का सोसाइटी को डिस्कस करेगा जो ट्राइब से बिलोंग करता है, उसको डिस्कस करने का बाद हम लोग पर्दर क्या करना है एक्शन लेगा और आप लोग का सामने आएगा। और बहुत काफ़ी लोग ट्रोल कर रहा है कि ये सोसाइटी जो दलाली करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आदमी को मेंटल टॉर्चर करने के लिए ऐसे अगवा फैला रहा है, मैं उनको प्रूफ करूंगा कि हम लोग ऐसा लोग नहीं हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला है कि सोसाइटी चलाने के लिए एक समय होता है, कोई होता है बचपन से सोसाइटी को गिव अप करता है अपना जीवन को। आज का डेट में हमको ऐसे लगा है कि काफ़ी मैंने बिजनेस किया, काफ़ी बहुत जिंदगी में जो कोशिश करना चाहिए था करके देखा है, वो मुझे अभी लगता है कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, इसी के लिए मैं ये चेयरमैनशिप प्रेसिडेंट को लेके मैं दिल से मैं खुश हूँ, और मैं अरुणाचल वासी को मैं प्रूफ करके रहूँगा। और आप लोग जो इलीगल बेतरा है खुद से इन्फॉर्म करके सालेंदर करने से बेइज्जती कम होगा, तो नहीं तो खानदान भी बेइज्जती हो जाएगा, रिलेटिव्स भी बेइज्जती हो जाएगा, खुद भी बेइज्जती हो जाएगा। तो ऐसे खुद को मत बनाओ, क्योंकि खुद ही क्रिएट करता है ना, अच्छा करना है तो अब सामने आना होगा। हम लोग को चैलेंज करेगा, कोर्ट हमारा साथ है, मजिस्ट्रेट हमारा साथ है, हम लोग इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, हम लोग लीगली वे में भी करेगा, जो सच्चाई है वो उसको साथ चल के हम लोग क्लेरिफिकेशन करेगा। जरूर आप लोग का सामने एक दिन आके ये नॉन ट्राइबल है डिक्लार करेगा, वो दिन आएगा, जल्द ही आने वाला है। और जो ये ट्राइबल है हम लोग को गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया उसको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर देगा, ये गलत हो गया हमसे बोल के। तो इसीलिए ये नोटिस में क्लियरली ऐसे है कि 100 नोटिस है, तो हम लोग क्लियरली ये बोला है कि आपका ऊपर में डाउट है, नॉन ट्राइबल है ना ट्राइबल है, तो आपका मतलब डाउट को मैंने क्लेरिफिकेशन दो बोल के नॉट ओनली पर्सनल दिया है, सोसाइटी को भी दिया है। जैसे कि मेरा नाम है ताई तका, अगर तका को डाउट है तो ताई सोसाइटी को भी देगा, तका को भी देगा, ऐसा है क्लियर कट। अगर इसमें बहुत लोग जॉब में भी है, अच्छा अच्छा जॉब में होल्ड करके बैठा हुआ है, और अच्छा अच्छा बिजनेसमैन लोग है, तो इसमें क्या आता है ऑटोमेटिकल हमारा संख्या कम हो जाएगा, उस हिसाब से हमारा बेनिफिट हमारा ट्रैवल के लिए ऑटोमेटिकल बेनिफिट हो ही जाएगा, क्योंकि वो जगह जो खाली हो जाने से दूसरा फिल हो जाता है। तो मेरा मानना तो ये है, अभी जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में भी देखो कोकटल लोग बहुत नेचुरली एक टैलेंट होता है, उसको माइंड नहीं करना है आप लोग भी, क्योंकि हम आप लोग को पर्सनली नहीं है, आज हम नहीं करने से भी दूसरा तो कल आपको करना ही है, हाँ, इसलिए हमको पर्सनली नहीं लेना, हमारा टीम को भी कोई किसी को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि ये हम लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, अरुणाचल के लिए कर रहा है, सब के लिए कर रहा है, आपका खुद के लिए भी कर रहा है। अपना माँ बाप अपना बाप का नाम चोर के आप लोग भी शर्म होना है ना दूसरा का बाप में बैठने के लिए, आप लोग को उल्टा हम लोग सिखा रहा है, अरे सबसे पहले भगवान होता है, सेकेंड गॉड माँ और बाप होता है, अपना बाप का नाम नहीं रख के गुमनाम बैठना भी तो आप लोग भी तो नींद आता है कि नहीं आता है, मुझे तो आइडिया नहीं है,
तो हम लोग सही राह दिखा रहा है कि अपना बाप का नाम पे चले जाओ। तो पर्स तो हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहा है, नोटिस मतलब क्या अपील है, तो अभी धीरे धीरे उतार में आएगा, जो हम लोग कर सकता है वो करेगा, लीगल वे में जो भी करना है वो करेगा। इसलिए बिल्कुल एकदम जो रिलेटिव्स है हमारा ये व्यूअर्स लोग रिलेटिव्स है, अपना रिलेटिव्स को ऐसे छुपाना भी नहीं है, क्योंकि अब जितना छुपाएगा कल को जानना ही है, झूठ और सच तो आखिर में फाइनली पता चल ही जाता है कि ये चीज़ जो झूठ था और ये चीज़ जो सच था, तो खुद ही शर्म होगा जो छुपाने वाला। और जो प्रोटेक्ट करने वाला को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहा है, काफ़ी लोग कर रहा है, मुझे फ़ोन में धमकी दे रहा है, हमारा मामा है बंजा है तुम करके देखो, ऐसे बोल रहा है। हम तो ऐसे लोग को हम शर्म लगता है ना, क्योंकि इसलिए शर्म लगता है कि आज वो प्रोटेक्ट नहीं करके, अरे उसको प्रोटेक्ट करके वो खुद का पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि कल उनको भी प्रॉब्लम होगा, उनका बच्चों को भी प्रॉब्लम होगा। हम लोग आज जो जितना मेंबर है हम लोग खुद के लिए नहीं कर रहा है, जो आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग कर रहा है, क्लीन करके जाना है बोलकर। हमारा यहाँ में देखिए कम्युनिज्म आपका सोसाइटीज है, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर लगने वाला क्या होता है, गायब हो जाता है ऑटोमेटिकल, गवर्नमेंट का साथ सेटिंग होके ये केस डिसमिस हो जाता है। हम लोग न्यूज़ में देखता है तो अरे खत्म हो गया, और उसका बारे जो एक दो सीरियस से बोलता है उसको टाइट करता है। तो हमारे तो गवर्नमेंट से कोई कनेक्टेड नहीं है, अगर वो आदमी लोग नहीं भी मानेगा हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को हम लोग ये आदमी को करने के लिए हम लोग धरना करेगा एंड ऑल, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का सारा हम लोग का गोद है कोर्ट, कानून अंधा है बोलता है, लेकिन हमको तो लगा है कि कोर्ट जस्टिस जो है फाइनल ही है। जितना भी आप यहाँ झगड़ा करो, अच्छा करो, प्यार करो, एडोप्ट करो, शादी करो, डिवोर्स करो, आखिर में कोर्ट का पास ही जाना है। हमारा माई बाप तो अभी से हम तो सोचता है कि कोर्ट ही है, हम लोग कोर्ट का सहारा जाएगा, हम लोग सही है तो किसी को हम लोग डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जो एडॉप्शन का होता है, कोई कोई महिला कंसीव नहीं करने का वजह से खुद अपना टाइटल पे बच्चा बोल लेते हैं नॉन ट्रैवल होने से, तो आप शायद फर्दर जाके सर्वे करेंगे तब शायद आपको ऐसा एक दो केस मिल सकता है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? लीगली अगर लिया है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आराम से दे सकता है, वो लीगली राइट है। क्योंकि क्यों राइट है बोलने से, सबको बच्चा चाहिए, बुढ़ापा में सबको सहारा चाहिए, लीगली ले सकता है आप। जैसे कि इलीगली अभी जैसे कि आप ही खुद पैदा करके अपना जाति में आप नहीं रख सकता है, वो गलत है। आप किसी का हक को मार रहा है, वो हक को नहीं मारना है बोल के हम लोग एगेंस्ट है। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with the touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.